हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। इस वीडियो में मैं आपसे एसएससी बैंकिंग और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि ये आपने कर लिए तो आपको इस सेक्शन के कोई और न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये न्यूमेरिकल और आपका ये सेक्शन टोटल क्लियर। तो ये सेक्शन होता है हमारा नंबर्स, नंबर्स के जो क्वेश्चन हैं उस सेक्शन का। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, दो लेक्चर्स का ये पार्ट होगा। आपने ये कर लिया, ये टॉपिक आपका प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको फॉर्म सिखाएंगे कि कैसे इन न्यूमेरिकल्स को कन्वर्ट करते हैं और इजीली फॉर्म में इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट वाला सेक्शन है, ये कंप्लीट तो ओवरऑल आपका सब कुछ कंप्लीट। द रेशियो बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। इफ द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द टेंथ प्लेस डिजिट व्हाट इज द नंबर। आपको मेंशन दे रखा है क्या कि यूनिट डिजिट नंबर जो है वो 3 टाइम बड़ा है टेंथ डिजिट से, एंड द रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर जो नंबर है और जो सम ऑफ डिजिट जो है वो क्या है 4:1 है। पहली बात, आपको नंबर पता होना चाहिए। नंबर कैसे फॉर्म होता है हमारा, नंबर हमारा जो फॉर्म होता है वो होता है 10 multiply 10th digit plus unit digit, इस तरीके से मेरा नंबर फॉर्म होता है। अब हम कंडीशन पे देखते हैं क्या, लेट 10th digit number जो है मेरा, बस आप पैटर्न फॉलो कीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर देंगे। 10th digit मेरा x है, यूनिट डिजिट की मेरे को कंडीशन दे रखी है क्या कि वो 3 उससे बड़ा है, तो 10 से 3 बड़ा है। अब मेरे को ये हो गया, पता चल गया। अब आप देखिए सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा मेरा, सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा मेरा x plus 3, इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा 2x plus 3। अब मेरा नंबर क्या होगा, नंबर है मेरा 10 multiply 10th digit क्या है मेरा x plus unit digit क्या है मेरा x plus 3, तो ये हो गया मेरा 10x plus x plus 3, इसका वैल्यू हो गया मेरा 11x plus 3। मेरे को एक ये वैल्यू मिल गई, ये मिल गई। अब मेरा कंडीशन क्या था, रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर, रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या था मेरा 2x plus 3, ये है मेरा 4:1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे गाइस, ये हो जाएगा मेरा 11x plus 3 और ये हो जाएगा मेरा 8x plus 12। अब वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो ये हो जाएगा 11x minus 8x is equals to 9, तो ये हो जाएगा 3x is equals to 9, x का वैल्यू आ गया मेरा 3। तो यूनिट जो मेरा टेंथ डिजिट है, टेंथ डिजिट जो है वो मेरा x जो था उसका वैल्यू है 3 और यूनिट डिजिट क्या है मेरा x plus 3, इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा 6। तो मेरा नंबर क्या फॉर्म होगा, नंबर मेरा फॉर्म होगा जो मेरे को नंबर निकालना है 10 into 3 plus 6, वैल्यू इज 36। क्वेश्चन लैंग्वेज बेस है, आपको बस ये पैटर्न पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे होगा लैंग्वेज से न्यूमेरिकल फॉर्म में। ये पता होगा आप इजीली ये न्यूमेरिकल कर लेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी वो न्यूमेरिकल कन्वर्ट करने की एबिलिटी आपके अंदर आएगी। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें बोला है सम ऑफ 3 number is 136। इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज 2:3 एंड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इज 5:3, वट इज द सेकेंड नंबर। आइए मैं इसमें आपसे एक हिडन ट्रिक भी शेयर करूँगा, उसका एक इंडिविजुअल लेक्चर भी मेरे को क्रिएट करना है जो मैं आप तक डिलीवर करूँगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। फ्यूचर अपडेट्स के लिए जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जरूर सब्सक्राइब करें प्रिपरेशन रूट्स। अब आप देखिए मेरे पे 3 नंबर है, सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ x y z, ये मैंने नंबर ले लिए हैं x y z। तो इन नंबर से क्या होगा, इनका जो सम है, तीनों का जो सम है वो मुझे दे रखा है कितना, 136 दे रखा है इन तीनों का सम। अब मेरे को कंडीशन क्या दे रखी है इन्होंने
कंडीशन ये दे रखी है कि x रेशो y मेरे को दे रखा है इन्होंने 2:3 एंड y रेशो z दे रखा है 5:3। ट्रिक देखिए कैसे फॉलो करेंगे, हमें फर्स्टली पहले निकालना होगा ये वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं लिखूंगा 2:3, एक रेशो और चाहिए था, ये मेरा x रेशो y का वैल्यू आ गया है। y रेशो z के लिए क्या लिखूंगा मैं, 5:3। अब आगे वाली वैल्यू को मैं यही वाली रिपीट कर दूंगा और यहाँ जो पहले वाली वैल्यू है इसके लिए भी ये रिपीट कर दूंगा। हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10, 15, 9, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। अभी ये क्वेश्चन में कैसे रोल प्ले करेगी, हम सपोज x की वैल्यू ले लेते हैं, क्या 10 था 10 के ले लेंगे, y था 15 के ले लेंगे, z था 9 के ले लेंगे। तीनों का सम लिखना है हमें, तीनों के सम की वैल्यू दे रखी है हमें क्या 136, ये हो जाएगा मेरा 34k 136, k का वैल्यू आ जाएगा मेरा 4। मुझे सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, सेकंड नंबर क्या है मेरा y, y है 15k, k का वैल्यू 4 पता है, तो 15 × 4 = 60 मेरा आंसर है। अब आपने देखा कि मैंने, मेरे को ट्रिक पता था, तो मैंने 60 ये एक ट्रिक पता था मेरा कितना इजीली सॉल्व हुआ है, मेथड मुझे पता था, मैं क्वेश्चन क्रैक कर पाया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री नंबर इज 138 व्हाइल द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम इज 131, फाइंड देयर सम। मेरे पे तीन नंबर हैं, वही लूंगा x, y, z। पहली कंडीशन क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना दे रखा है मेरे को 138। सेकेंड कंडीशन है प्रोडक्ट का सम है, दो नंबर को एक टाइम पे लेना है, वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल्स टू 131। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × AB प्लस बी सी प्लस सी ए। ऑलमोस्ट सेम है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ रही है और ये वाली वैल्यू मेरी यहाँ पे आ रही है, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस जेड का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 × XY YZ and ZX, ये लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है मेरी 138 इस सेक्शन की, प्लस 2 × इस सेक्शन की वैल्यू मेरी क्या है 131। तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है मेरी यहाँ पे 138 प्लस 262 विच इज इक्वल्स टू 400। इसकी वैल्यू 400 है और मेरे को फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 विच इज इक्वल्स टू 20। मुझे आइडेंटिटी पता था तो मैं इजीली इस न्यूमेरिकल को कन्वर्ट कर पाया। मेथड प्लस ट्रिक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, If one is added to denominator of fraction, fraction will become 1/2, and if one is added to the numerator of fraction, then fraction becomes 1. हमें fraction की value find out करनी है, आइए देखते हैं। मैंने fraction ले लिया है, fraction मैंने ले लिया है x by y, जिसमें x मेरा numerator है, y मेरा denominator है। Case 1 क्या है कि वो ये कह रहा है denominator में मैंने 1 add कर दिया है, तो मेरा फ्रैक्शन हो गया ये, इससे वैल्यू क्या आएगा मेरा 2x = y + 1, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड उसने क्या बोला है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देता हूँ, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देता हूँ, डिनोमिनेटर मेरा ऐसी रहेगा, तो ये, तो इससे मेरा क्या वैल्यू आएगा x + 1 = y, ये मेरा सेकेंड। अब मैं वाई की वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x = x + 1 + 1, तो 2x = x + 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, x की वैल्यू 2 है, इसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा 2/3। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, लैंग्वेज
बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कन्वर्जन आता है तो आप इजीली, बहुत इजीली न्यूमेरिकल करेंगे, और वो जब भी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए इजीली बोल सकता हूँ कि आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आइए देखते हैं, इसमें बोला है न्यूमरेटर, सेम क्वेश्चन है, थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है। न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय, पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है मेरा क्या एक्स बाय वाई। इन्होंने बोला है न्यूमरेटर को मैंने 2 बढ़ा दिया है और डिनोमिनेटर को मैंने 3, तो मेरा फ्रैक्शन हो गया 7/9। वैल्यू क्या हो जाएगी देखते हैं, 9x + 18 = 7y + 21, तो 9x - 7y = 3। इसे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। सेकंड देखते हैं, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, दोनों को डिक्रीज कर दिया, फ्रैक्शन हो गया मेरा 4/5। वैल्यू देखते हैं क्या आता है मेरा, तो ये मेरा वैल्यू निकल के आया है 1, ये इक्वल हो जाएगा मेरा वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई है। आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये मेरा क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर आपको इन्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है कैसे सॉल्व करते हैं, उसका लेक्चर मैंने अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन रूट में शेयर किया हुआ है, बहुत बढ़िया लेक्चर है, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ से मेरा जो x का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद, x का वैल्यू आएगा 5, सिमिलरली y का वैल्यू आएगा 6, तो जो मेरा जो फ्रैक्शन बनेगा, तो यहाँ से जो मेरा फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा मेरा 5/6। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ सॉल्व नहीं किया है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, घबराइए मत, सारी चीज़ चैनल पे मेंशन है, आप इजीली सीख सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ 2-डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 8, व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। कैसे, आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब जो 2-डिजिट नंबर है, नंबर सपोज मेरा हो गया है, आइए देखते हैं, नंबर मेरा है सपोज 10 × 10th digit प्लस यूनिट डिजिट, ये हमें पता ही मेरा नंबर है। अब आप देखिए मेरे पास क्या है वैल्यू, मेरे पे उन्होंने बोला 10th digit जो है वो मैंने x ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट 8 था, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरा, यूनिट डिजिट जो है वो ले लूँगा मैं x/8। इन दोनों को अगर मैं, 2 नंबर थे मेरे टेंस और यूनिट, अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज देखता हूँ, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन था उससे मैंने वैल्यू निकाली है, सॉरी इट्स नॉट x बाई एट, इट्स 8/x, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए, माई मिस्टेक। तो इसमें क्या है, मेरे को 10th डिजिट पता चल गया, यूनिट डिजिट पता चल गया। अब आप देखिए मेरे को नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर क्या होगा मेरा 10 × 10th digit + unit digit, तो ये मेरा हो जाएगा 10x + 8/x, ये मेरा हो गया। अब इन्होंने बोला है जब 18 ऐड करेंगे नंबर पे, इसमें 18 ऐड करेंगे, 10x + 8/x + 18 करता हूँ मैं, तो उन्होंने बोला है मेरा जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, तो मेरा जो रिवर्स नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर के लिए देखिए क्या हो जाएगा, जो टेंथ की वैल्यू हो जाएगी वो यूनिट डिजिट वाली हो जाएगी, और जो यूनिट डिजिट वाली है वो टेंथ की हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 8/x + x, तो मेरा नंबर बन जाएगा 80 / x + x, ये मेरा नंबर बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हो जाएगा। ओके गाइस, अब आप देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ से ये x इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9x + 18, अब इस वाली फॉर्म को इधर ले जाऊंगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 8x, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 9x + 18 = 72/x,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, इसका वैल्यू आएगा 9x² + 18x - 72 = 0। x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 मेरा इधर आ जाएगा। इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ मैं, ये 9 कॉमन ले लिया है, 9 कॉमन लेने के बाद मेरा ये इक्वेशन बनेगा, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, प्रिपरेशन रूट्स में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके जो मेरे रूट्स निकल के आएंगे वो आएंगे x + 4 x - 2। ये मैंने इक्वेशन ब्रेक कर दी है, यहाँ से मेरी x की वैल्यू आएगी 1 4, और एक आएगी x की वैल्यू -4 और एक आएगी x की वैल्यू 2। माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा नेगेटिव नंबर बन जाएगा, तो माइनस मेरा कंसीडर नहीं होगा, इसलिए इस नंबर को डिस्कार्ड कर देंगे। मेरा टेंथ डिजिट आ गया है x, टेंथ है मेरा क्या, टेंथ डिजिट है मेरा x की वैल्यू आई है 2। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8/x, तो यहाँ पे अगर ये मेरा 2 आया है तो ये 8/2 क्या हो जाएगा, 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी मेरी, यूनिट डिजिट हो गई 4। तो नंबर मेरा फॉर्म क्या हो जाएगा, नंबर मेरा फॉर्म होगा 10 × 2 + 4 = 24। 24 मेरा करेक्ट आंसर है। आइए लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज 9, इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। सेम न्यूमेरिकल है, पैटर्न देखिए, टेंस डिजिट, अब हमें ये पता है कि नंबर कैसे बनता है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, टेंस डिजिट मेरा एक्स है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरा, 9 - x, दोनों का ऐड करूंगा तो कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। नंबर देखिए, नंबर मेरा क्या बनेगा, नंबर इन्होंने बोला है 10 × x + 9 - x, तो नंबर मेरा हो जाएगा क्या, 9x + 9, ये मेरा पहला नंबर बन गया है। अब इन्होंने बोला है कि अगर मैं 63 सब्ट्रैक्ट करता हूँ नंबर में से मैंने 63 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो डिजिट मेरा इंटरचेंज हो जाएगा, तो मेरा रिवर्स नंबर क्या बनेगा, रिवर्स नंबर जो बनेगा वो बनेगा 10 × this + x, तो ये हो जाएगा 90 - 10x + x, नंबर बनेगा मेरा 90 - 9x, ये मेरा नंबर बन गया है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं यहाँ फिल कर दूंगा इसे, तो अब ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 18x, वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे और नंबर्स एक तरफ, तो 18x = 144, एक्स का वैल्यू आएगा मेरा 8, तो ये मेरा टेंस डिजिट का वैल्यू आ गया। यूनिट डिजिट के लिए क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 9 - 8 = 1, तो मेरा जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, 10 × 8 + 1 = 81, 81 इज माई करेक्ट आंसर। तो ये वो न्यूमेरिकल्स हैं नंबर्स के, जिन्हें आप कर लेंगे तो आपको इनके अलावा कंपटीशन एग्जाम में कोई नंबर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था लेक्चर का, सेकेंड पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रिपरेशन रूट्स, और प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करना ना भूलें हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को जरूर क्लिक करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।